सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरू के प्रेडिक्शन। गाइस कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 40-20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। ये मैच होने वाला है 2 मार्च को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग। दोपहर के 3:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद इंडिया में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो पहली टीम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो जहां 5 मैच में से 4 मैच हार के आ रही, तो वहीं 1 मैच जीत के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है, तो 2 मैच हार के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर राजस्थान रॉयल 2 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद 3 मैच जीत के आए, तो राजस्थान रॉयल्स 5 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे भी राजस्थान रॉयल्स 2 मैच से आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद का 40% देखने को मिल रहा है, तो राजस्थान रॉयल का 50% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद का 156 है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स का 161 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद का 195 है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स का 190 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद का 72 है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स का 130 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे कंपेरिजन में लगभग इक्वली दोनों का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी? तो 37.5 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सक्ती है। मौसम पूरी तरह क्लियर रहने वाली है। वहीं अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो 86% रहेंगे, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है? इस पिच का फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में जहां पे 157-158 रन में भी लग सकती है, वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में 146 रन में भी लग सकती है। इस पिच पे अभी तक टोटल 62 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉलिंग करे तो वो मैच जीत सकती है, क्योंकि डिफेंड में भी रन लग सकते हैं, बट यहाँ पे डिफेंड में थोड़ी सी कम रन लगेगी। वहीं अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो काफ़ी इजली वे में मैच चेस कर सकती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त मैच होने वाला है। तब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो नो डाउट अच्छी टीम है, बट पिछले सीजन की बात करें तो पिछले सीजन में कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। तो इस बार पूरी उम्मीद किया जा रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद पूरी तैयारी के साथ आ गई है। वहीं अगर दूसरी टीम राजस्थान रॉयल्स की बात करें, नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, काफ़ी ज़बरदस्त होगा और जैकपॉट होने की भी संभावना हो सकती है, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉन्स पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम सनराइजर्स हैदराबाद के की प्लेयर की बात करें तो एडन मकराम, राहुल त्रिपाठी, भुवनेश्वर कुमार, मयंक अग्रवाल। वहीं दूसरी टीम अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो उसके की प्लेयर होंगे संजू सैमसन, सिमरन हेटमायर, जॉस बटलर, युजवेंद्र चहल। ये रहे दो टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग ने अभी पूरी बात डिस्कस कर ली। अब चलते हैं टॉस की ओर। आज का टॉस कौन जीतने वाला है? तो मेरे अकॉर्डिंग आज का टॉस राजस्थान रॉयल्स जीत सकती है। वहीं अगर विनर की बात किया जाए तो देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान रॉयल्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।